आपका रोस्टेड होगा और मलाई टिक्का होगा, चिकन टिक्का होगा, रोस्टेड टंगड़ी होगी और रोस्टेड होगा, रोस्टेड चिकन। अच्छा, रोस्टेड टंगड़ी और रोस्टेड चिकन जी। ये तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल अनसेटल्ड भुक्कड़ पर। और आज हम आ गए हैं गोमती नगर एक्सटेंशन में। कहाँ पे है हम आज? ग्रीनवुड अपार्टमेंट के सामने। बेसिकली ये एरिया है आपका गोमती नगर विस्तार, और ग्रीनवुड अपार्टमेंट के सामने काफी सारे फूड ट्रक्स हैं, फूड लेन है काफी, कई सारे यहाँ पे आप देखोगे तो फूड कार्ट्स लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक स्पेशल है, एक कार्ट जिसे आज हम कवर करने के लिए आए हैं, वो है ये हकुना मटाटा कार्ट। ये यहाँ दे रहे हैं कुछ देसी स्टाइल में नॉनवेज, साथ में इनके पास है ये ग्रिल्ड चिकन एंड टिक्का। बाकी आइए हम जानते हैं खुद इन भैया से जो यहाँ के ओनर हैं, ये क्या क्या चीजें बेच रहे हैं, क्या क्या ये चीजें सर्व कर रहे हैं, इनकी प्राइसिंग एंड ऑल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह नाम है हमारा। पुष्पेंद्र सिंह, तो भैया क्या दे रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ पे नॉनवेज हम दे रहे हैं। अच्छा, देहाती चिकन और देहाती मटन होगा हमारे पास। अच्छा, देहाती चिकन और देहाती मटन है। अच्छा, क्या है आपका देहाती चिकन और मटन? देहाती मटन हमारी इसे होम स्टाइल ग्रेवी है, इसमें हाँ? होम स्टाइल ग्रेवी रहती है, थोड़ा पूर्वांचली टच के साथ। इसमें आपको हिसाब में खड़े लहसुन भी मिलते हैं। अच्छा, मतलब पूर्वांचल का टच आपने दिया है। पूर्वांचल के टच साथ और होम स्टाइल ग्रेवी पर। अच्छा, होम स्टाइल ग्रेवी, मतलब बेसिकली आप होम स्टाइल में फूड दे रहे हो यहाँ पे। अच्छा, क्या है आपके मटन में? जी मटन हमारे मतलब बेसिक नॉर्मल ऐसे घरों में ऐसे जो बनता है बेसिक खड़े मसालों के, उससे मटन हमारा उसी पे बेस है और चिकन भी दोनों जी इसी पे बेस है। अच्छा, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे आपका नाम लगा, जो इसका आपने नाम रखा है हकुना मटाटा, ये मतलब क्या है? थोड़ी हमारे कार्टून करेक्टर पे बेस है ये। जैसे हाँ? आपने 90s के अगर कार्टून देखे होंगे, दी लॉयन किंग मतलब कार्टून देखा होगा, हाँ? उसमें दो करेक्टर थे टिमोन एंड पुम्बा, हाँ? तो वही उन्हीं का मतलब कि मेन शब्द था उन लोग का हकुना मटाटा, जिसका मतलब उनका था कि जिंदगी मतलब खाइए पीजिए और मौज करिए, खुश रहो, खुश रहो। एग्जैक्टली, ये मुझे भी याद है, मैं भी एक बट ऑब्वियसली बात है मैं भी एक 90s का किड हूँ, तो मुझे याद है कार्टून बहुत फेमस था अपने टाइम पे, और जो कि दो कैरेक्टर्स थे टिमोन और पुम्बा, वो हमें भी याद है बहुत ही, मतलब ये जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, हम 90s के बच्चों की मतलब याददाश्त आपने पूरी तरोताजा कर दी है। मेन हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि खाओ और खुश रहो। अच्छा, खाओ और खुश रहो का कॉन्सेप्ट है आपका। दिखाइएगा क्या क्या आप सर्व कर रहे हो यहाँ पे। जैसे ये चिकन होगा, हाँ? आप देख सकते हैं, ये हमारा चिकन है, ये बड़ा मतलब अच्छा सा चिकन दिख रहा है, बड़ा रंगत इसकी बहुत ही खूबसूरत है, ग्रेवी बहुत ही कलरफुल है, और जो इस पे ऑयल ऊपर से तैर रहा है, मतलब इसका क्या ही कहना, ये चिकन है आपका जी। अच्छा, क्या सर्विंग दे रहे हो आप इस चिकन की? चिकन के हमारे ये क्वार्टर आपका पोर्शन होगा, हाँ? जो 150 का होगा, जिसमें दो पीसेस होंगे और साथ में खड़ा लहसुन होगा। अच्छा जी, अच्छा, दो पीस चिकन 150 रुपए में जी। अच्छा, और मटन का क्या है? मटन का भी सेम होगा, 200 का पोर्शन होगा क्वार्टर, जिसमें आपके दो पीस होंगे, हाँ? उसमें भी सेम क्या कहते हैं एक लहसुन होगा। अच्छा, दो पीस चिकन और सॉरी दो पीस मटन के और एक पीस खड़ा लहसुन। ओके, अच्छा, ये भी आपका काफी ज्यादा बढ़िया सा दिख रहा है मुझे, कलर बहुत ही बढ़िया सा है, रंगत बहुत ही खूबसूरत है, तेल बहुत बढ़िया दिख रहा है, मतलब तेल नहीं कहेंगे, जो इसका ग्रेवी है वो रोगन है, रोगन बहुत अच्छा दिख रहा है, और जो स्मेल आ रही मैं उसका क्या ही बताऊं, मतलब मैं बोल कम पा रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हमने गिल्ड भी शुरू किया है, जिसमें आपका रोस्टेड होगा, हाँ? और मलाई टिक्का होगा, चिकन टिक्का होगा, रोस्टेड टंगड़ी होगी और रोस्टेड होगा, रोस्टेड चिकन। अच्छा, रोस्टेड टंगड़ी और रोस्टेड चिकन जी, मलाई टिक्का होगा, नॉर्मल टिक्का होगा। ये अभी आपने रिसेंटली शुरू करा है? वाह, बड़ा अच्छा सा दिख रहा है आपका, मलाई टिक्का तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, साथ में ये क्या है? ये टिक्का होगा, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का, और साथ में आप ये तंगड़ी भी आपने शुरू करी है, इनकी क्या प्राइसिंग वगैरह रखी होगी आपने? मलाई टिक्का की हमारी 150 का होगा, हाफ होगा, जिसमें चार पीसेस होंगे, 150 में चार पीसेस, और चिकन टिक्का भी वही सेम चार पीस होंगे, उसका 130 का होगा, 130 में जी। और टंगड़ी वगैरह कितने की है आपकी? 180 की होगी, और रोस्टर भी 180 का होगा, दोनों में चार चार पीसेस होंगे। अच्छा, दोनों में चार चार बनाइए। ये
घी क्या डाला अभी आपने? अभी बटर डाला, अमूल बटर है, ये अमूल क्रीम है। अच्छा, तो ये आप इसे पूरा इसी पे इसको फिर मिक्स करेंगे हम फिर। अच्छा, उसमें अच्छा और क्या क्या आपने इसमें डाला अभी? इसमें हमने अभी चाट मसाला डाला है, नींबू डाला है। अच्छा ठीक है, ये तो इसका इसमें आपने स्पेसिफिक नाम क्या दिया है? ये चिकन टंगड़ी है। चिकन टंगड़ी, धनिया। ये कितने रुपए पीस दे रहे हो आप? ये 180 के फोर पीस होते हैं। 180 के फोर, मतलब अगर किसी को अगर दो पीस वगैरह लेना है तो हाँ वो लेते हैं 90 रुपीस के हो जाएंगे। अच्छा, 90 रुपीस के दो पीस। इसको हम ले लेते हैं, चटनी के साथ सर्व करते हैं, चटनी और सैलेड के साथ। अच्छा, इसके साथ इसे प्याज वगैरह आप देते हो? प्याज और अच्छा प्याज होता है और चटनी होती है। मेन कंसेप्ट हमारा यही है, क्वालिटी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, हम अमूल बटर यूज करते हैं, इसमें अमूल क्रीम यूज करते हैं, मतलब जितना भी प्रोडक्ट है सारा का सारा अमूल का यूज करते हैं। ये प्लेट हमारी तैयार हो गई, टंगड़ी ये हाफ है, टंगड़ी हाफ टंगड़ी। ओके, हमारे पास आ चुकी है, ये इनकी टंगड़ी है, सॉरी चिकन टंगड़ी है, जिसमें दो पीस इन्होंने चिकन के लेग पीस दिए हैं। साथ में है हमारे पास ये चिकन बिरयानी, और ये है देसी स्टाइल में बना हुआ मटन, और उसके साथ में एक पीस, ये दो पीस मटन के हैं, एक पीस है ये लहसुन, खड़ा लहसुन है पूरा पूरा, और है ये कॉम्बो रोटी के साथ में। बाकी आइए हम ये टेस्ट करते हैं और बताते हैं ये कैसा है। चिकन पनीरी बहुत ही अल्टीमेट है, जो इसमें फ्लेवर्स है बहुत अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं। तंदूर का जो एक्चुअल तंदूर का जो फ्लेवर होता है, स्मोकी फ्लेवर, वो इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। पीस की बात करी जाए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पीस है, और इसे पकाया भी बहुत अच्छी तरह से कहीं पे भी, और सबसे बड़ी बात इसमें कहीं पे जैसे नॉर्मली हम लोग रोस्टेड खाते हैं उसमें हमेशा से ब्लड दिखता है, कहीं से भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पूरा बहुत ही साफ अच्छी तरीके से साफ किया गया है। पीस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और टेस्ट मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट है इसका अल्टीमेट लेवल का। मटन जो कि सर्व किया जा रहा है, आई गेस इसमें देसी घी है या बटर है? बटर है, अमूल बटर, अमूल बटर है। पीस की बात करी जाए तो पीस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आप देख सकते हो, मटन को मैं हाथ से अलग कर सकता हूँ, ये देखिए मटन मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। टेस्ट की बात करी जाए तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। मटन जो है एकदम घर जैसा है, ग्रेवी में जैसे कि हम लोग घर में बनाते हैं, ग्रेवी में जैसे प्याज पकने के बाद हल्का सा मीठापन होता है, वो फ्लेवर है, घर जैसा है। बाकी एक बार आओ आप इन्हें ट्राई करो और मुझे बताना ये कैसा है इनका टेस्ट। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अनसेटल्ड बुकर को फॉलो करो, टैग करो, और अगर आप हकूना मटाटा आते हो तो मुझे ज़रूर टैग करो।